हेलो गाइस, मैं हुसैन एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गैजेट्स डिस्कवरी में और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमारे पास है ओप्पो की तरफ से न्यूली लॉन्च किया गया ओप्पो A55। और अगर आप लोगों ने स्मार्टफोन को परचेज़ किया है तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को स्मार्टफोन के जो भी हिडन फीचर्स हैं, सेटिंग्स है, वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो फीचर है वो बहुत ही कमाल का है, उसके लिए आपको बस एक OTG केबल की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास नहीं है तो मार्केट से आप परचेज़ कर सकते हैं कुछ इस टाइप की, या फिर इस टाइप की आपको OTG केबल मिलने वाली है। तो सिंपली आपको करना क्या है, OTG केबल को यहाँ पे प्लग करना है, और उसको प्लग करने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे OTG सर्च करके इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे तो उसके बाद आप OTG को यूज़ कर पाएंगे। सबसे पहला तो ये कि आप OTG की हेल्प से अपने स्मार्टफोन में पेन ड्राइव लगा सकते हैं और अपना डाटा जो है वो इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप फिजिकल कीबोर्ड और माउस का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैं फिजिकल माउस जो है कनेक्ट कर देता हूँ इसके साथ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट ब्लिंक करने लगी है और एक कर्सर जो है आपको फ़ोन की स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस कर्सर की हेल्प से मैं फ़ोन को काफ़ी अच्छे तरीके से रन कर सकता हूँ। जैसे मैं टच की हेल्प से करता हूँ, सेम वैसे ही इस कर्सर की हेल्प से मैं फ़ोन को रन कर पाऊँगा। तो ये काफ़ी कूल लगता है, आप इसे ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, आपको भी मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे मैं इस कीबोर्ड को भी फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं मैंने कनेक्ट कर लिया है। और जैसे ही मैं यहाँ पर कोई टाइपिंग वगैरह करना चाहूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इजीली मैं टाइपिंग कर सकता हूँ। इससे बहुत से लोगों को हेल्प मिल सकती है, जैसे किसी को टाइपिंग प्रैक्टिस करनी हो या फिर कोई टाइपिंग वर्क करना हो तो वो अपने फ़ोन से इमरजेंसी में कर सकते हैं। सो गाइस, ये फीचर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। चलिए अब इससे नेक्स्ट हम चलते हैं फ़ोन की होम स्क्रीन सेटिंग्स की तरफ। उसके लिए जैसे ही हम यहाँ पर लॉन्ग टैप करके रखते हैं होम स्क्रीन पर, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे फर्स्ट में है वॉलपेपर्स, यहाँ से हम वॉलपेपर सेट कर सकते हैं होम स्क्रीन के। फिर है आइकन, गाइस यहाँ पे आइकन की काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन हमें देखने को मिल जाती है। अलग अलग स्टाइल के आइकन यहाँ से हम सेट कर सकते हैं, आइकन का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, आइकन के नीचे जो भी नाम लिखा हुआ है एप्लीकेशन का उसका साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। सो यहाँ से आप आइकन की कस्टमाइजेशन चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे ऐप लेआउट देखने को मिलता है। गाइस ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वे में एप्लीकेशंस लगी हुई हैं, तो एक रो में कितनी एप्लीकेशंस आनी चाहिए वो सब हम यहाँ से सेट कर पाएंगे। इसके अलावा विजिट्स यहाँ पे, जो भी होम स्क्रीन पे विजिट्स आप सेट करना चाहो, जैसे क्लोक हो गया, गूगल क्रोम से रिलेटेड, व्हाट्सएप से रिलेटेड, वो सब आप यहाँ पे सेट कर पाओगे और डायरेक्टली वहाँ से काफ़ी कुछ एक्सेस कर सकते हो। और इससे नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांजिशन का ऑप्शन मिलता है। होम स्क्रीन पे हम अलग अलग स्टाइल की ट्रांजिशन जो है सेट कर सकते हैं, जो कि देखने में काफ़ी कूल लगता है। और नेक्स्ट यहाँ पे हमें मोर का ऑप्शन मिलता है, जिससे हम होम स्क्रीन के सेटिंग्स पे आ जाते हैं। साथ में लॉक स्क्रीन की सेटिंग्स भी यहाँ पे है। तो सबसे फर्स्ट में है होम स्क्रीन मोड, यहाँ से हम सिंपल मोड, स्टैंडर्ड मोड और ड्रॉर मोड चेंज कर सकते हैं। और साथ ही नीचे की तरफ होम स्क्रीन लॉक का ऑप्शन मिलता है। गाइस अगर हम होम स्क्रीन को लॉक कर देते हैं तो उस पर गलती से टच होने के बाद हमसे काफ़ी कुछ एक्शन अपने आप हो जाता है, तो वो नहीं होगा, आप होम स्क्रीन को यहाँ से लॉक अनलॉक कर पाएंगे। इसके अलावा स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, जैसे आप होम स्क्रीन पर और नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो सर्च बार ओपन होना चाहिए या फिर ये नोटिफिकेशन बार, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऐप एनिमेशन स्पीड दी गई है। गाइस जैसे कि आप एप्लीकेशन ओपन करते हो, क्लोज करते हो, तो उसकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए, वो यहाँ से आके आप सेलेक्ट कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे लॉक स्क्रीन की सेटिंग्स है, जैसे ही ये डबल टैप टू वेक स्क्रीन, जैसे फ़ोन की स्क्रीन बंद है और आप डबल टैप करोगे तो फ़ोन की स्क्रीन जो है लाइट अप हो जाएगी। इसके अलावा लॉक स्क्रीन मैगजीन यहाँ पर दिया गया है। इस लॉक स्क्रीन मैगजीन को अगर आप यहाँ से इनेबल करते हो तो होगा क्या, जो लॉक स्क्रीन के वॉलपेपर्स है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहेंगे। और इसके अलावा यहाँ से आप मोबाइल नेटवर्क से अपडेट इनेबल कर लीजिएगा, जिससे नए नए वॉलपेपर्स ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहें। गाइस इससे नेक्स्ट हम चलते हैं रिसेंट एप्लीकेशन की तरफ। जैसे यहाँ पे आप रिसेंट टैब पे प्रेस करते हो तो रिसेंट एप्लीकेशन ओपन हो जाती है, और यहाँ पे आप जैसे ही दो डॉट पे टैप करोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। और ये सभी ऑप्शन सभी एप्लीकेशंस में नहीं आते, कुछ लिमिटेड एप्लीकेशन में आते हैं। जैसे अभी मैंने गूगल क्रोम पर ये ऑप्शन चेक किए हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट में लॉक का ऑप्शन मिलता है। गाइस जैसे यहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन को लॉक कर देते हो और नीचे से क्लियर कर दोगे तो वो एप्लीकेशन जो आपने लॉक की है वो क्लियर नहीं होने वाली, उसमें जो भी टास्क आपने रन कर रखा है वो रन करता रहेगा बैकग्राउंड में। तो ऐसे करके आप यहाँ से किसी भी एप्लीकेशन को लॉक और अनलॉक कर सकते हो। इसके बाद है फ्लोटिंग विंडोज़, इस फ्लोटिंग विंडोज़ में आप किसी भी एप्लीकेशन को छोटे टैब में स्क्रीन पर लेके आ सकते हो और उसके बाद बैकग्राउंड में कोई भी टास्क रन कर सकते हो। ये बहुत ही हेल्पफुल है मल्टीटास्किंग के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पे काफ़ी कुछ कर सकते हो, जैसे मैंने साइड में अभी इसे हाइड कर दिया है फ्लोटिंग विंडो को गूगल क्रोम की, लेकिन जैसे ही मैं इसे ओपन करना चाहूँ तो यहाँ से ओपन भी
कर सकता हूँ, तो आप इसे ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा, मल्टीटास्किंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। और इससे नेक्स्ट है मिनी विंडो। मिनी विंडो भी एज ए फ्लोटिंग विंडो वर्क करती है, बस वो यहाँ पे और भी छोटे साइज में ओपन होने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन हमें मिल जाता है। गाइस स्प्लिट स्क्रीन का यूज़ करके हम एक साथ दो एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, जैसे अभी मैं ऊपर गूगल क्रोम रन कर रहा हूँ, नीचे प्ले स्टोर रन कर रहा हूँ। तो ऐसे करके आप यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, व्हाट्सएप कुछ भी रन करना चाहो, एक साथ दो एप्लीकेशन कर पाओगे। तो गाइस नेक्स्ट हम चलते हैं फ़ोन के डायलर की तरफ। सो यहाँ पे हमें फ़ोन में गूगल डायलर दिया गया है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग तो नहीं मिलने वाली, मिलेगी मैनुअल कॉल रिकॉर्डिंग, वो भी आप कॉल के वक्त ही एक्टिवेट कर पाओगे, और उसमें भी दूसरे कॉलर के पास नोटिफिकेशन जाने वाला है कि आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। सो गाइस अब नेक्स्ट हम चलते हैं सेटिंग्स की तरफ। तो यहाँ पे हमें कॉलिंग अकाउंट्स में जाना है, और यहाँ पे हमें फ्लैश ऑन कॉल का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि जब भी हमारे पास कोई कॉल्स वगैरह आएंगी तो जो फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक करने लगेगी। नेक्स्ट है ऑटो आंसर। ऑटो आंसर में गाइस अगर आपका फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, और यहाँ से आप टाइम सेलेक्ट कर पाओगे कि अगर फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट है तो 5 सेकेंड के बाद, 10 सेकेंड के बाद फ़ोन जो है ऑटो आंसर हो जाए जब भी उस पर कॉल आए। और इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है जब भी आपकी कॉल आप उठाओगे या फिर काटोगे तो वाइब्रेट होने वाला है फ़ोन, यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। इसके अलावा पावर बटन की हेल्प से आप फ़ोन को कट कर पाओगे, लेकिन वो तभी कर पाओगे जब फ़ोन की डिस्प्ले जो है लाइट अप होगी। और नेक्स्ट यहाँ पे बैक आने के बाद आपको ब्लॉक नंबर्स मिल जाते हैं गाइस। यहाँ से आप किसी भी नए नंबर को ब्लॉक करना चाहो तो सिंपली डाल के उसे ब्लॉक कर सकते हो, या फिर अनब्लॉक करना चाहो तो यहाँ से भी अनब्लॉक कर पाओगे, लिस्ट आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे फ्लिप टू साइलेंस का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है गाइस। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कॉल आ रही है और इस ऑप्शन को आप इनेबल रखते हो और फ़ोन को फ्लिप कर देते हो तो वो कॉल जो है साइलेंट हो जाएगी, आपको फ़ोन को साइलेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। और गाइस नेक्स्ट हम चलते हैं फ़ोन के गैलरी की तरफ। सो गाइस यहाँ पे गैलरी में हमें अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे फ़ोटोज़, एल्बम, एक्सप्लोर। सो यहाँ पे एल्बम में हमें रिसाइकल बिन देखने को मिल जाता है, जहाँ से हम डिलीटेड फ़ोटोज़ को रिकवर कर पाएंगे। साथ ही एक्सप्लोर में अगर हम चले तो यहाँ पे हमें डिजी लॉक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिस पे हम गवर्नमेंट वेरीफाइड डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं डायरेक्टली, सो यहाँ से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस जैसे ही मैं किसी भी फ़ोटो पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे मुझे शेयर का ऑप्शन मिल जाता है, साथ में फेवरेट। इस जैसे ही हम यहाँ से किसी भी फ़ोटो को अगर फेवरेट सेलेक्ट कर देंगे तो उसका एक अलग से सेक्शन क्रिएट हो जाएगा, और जो भी सारी मेरी फेवरेट फ़ोटोज़ मैंने सेलेक्ट की होंगी वो वहाँ पे अलग से मुझे मिल जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलता है गाइस। अगर आपके फ़ोन में आपको थोड़ा बहुत एडिटिंग करनी है फ़ोटोज़ की तो यहाँ से आप कर पाओगे, आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे खासे ऑप्शन से यहाँ पे आपको एडिटिंग के मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं चलूँ मोर में तो यहाँ से मैं डायरेक्टली किसी भी फ़ोटो को वॉलपेपर पे, कॉन्टैक्ट की फ़ोटो पे लगा सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे सेट एज प्राइवेट का ऑप्शन मिलता है। प्राइवेट अगर आप किसी भी फ़ोटो को, वीडियो को करना चाहते हैं यहाँ से तो डायरेक्टली कर सकते हैं, बस उसके लिए सबसे पहले आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा, और पासवर्ड सेट कर लेने के बाद आप यहाँ से सिंपली सेट एज प्राइवेट कर सकते हो किसी भी फ़ोटो को, वीडियो को। और गाइस अगर आप लोग इसे वापस से एक्सेस करना चाहते हो तो ये आपको फ़ोटो एल्बम एक्सप्लोर जो लिख रखा है यहाँ पे सिंपली टैप करके रखना है, और आपके सामने जो आपका लॉक है वो आ जाएगा, और यहाँ से आप इसे वापस से पब्लिक कर सकते हो फ़ोटो को। और गाइस ये जो लॉकर है ये आपके फेस लॉक और फिंगरप्रिंट के साथ भी वर्क करता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और नेक्स्ट चलते हैं गैलरी की सेटिंग्स की तरफ। तो यहाँ पे हमें ऑटो प्ले वीडियोज़ का ऑप्शन मिलता है। गाइस जैसे आपने कोई वीडियो वगैरह कैप्चर की हुई है या फिर डाउनलोड की हुई है तो वो छोटी स्क्रीन में बिना ऑडियो के रन करने लग जाती है, चलने लग जाती है, तो सिंपली आप अगर चाहते हो वो ना चले या फिर चले तो यहाँ से ऑप्शन इनेबल डिसेबल कर पाओगे। और नेक्स्ट अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन शॉर्टकट कीज़ की तरफ। गाइस यहाँ पे हमें काफ़ी सारे शॉर्टकट कीज़ देखने को मिलते हैं, जैसे कि शेयर हो गया, स्क्रीन रिकॉर्ड हो गया, स्क्रीन शॉट हो गया, लेकिन वो सब कुछ हाइड रहते हैं स्टार्टिंग में, तो उन्हें अनहाइड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे टैप करना है एडिट के आइकन पे, और यहाँ नीचे की तरफ आपको वो देखने को मिल जाते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे करना क्या है, जिसको भी आप ऊपर की तरफ लेके जाना चाहो, अनहाइड करना चाहो, उसको टैप करके रखना है और उठा के ऊपर लेके जाना है, वो ऊपर वाली स्क्रीन में शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसे करके आप किसी भी शॉर्टकट कीज़ को ऊपर लेके जा सकते हो, और जो आप बहुत ही कम यूज़ करते हो या फिर यूज़ नहीं करते उनको आप वापस नीचे हाइड कर सकते हो। तो ऐसे करके जो भी आपके शॉर्टकट कीज़ हैं आप उन्हें एडजस्ट कर पाओगे और अपने फ़ोन को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। गाइस नेक्स्ट अब हम चलते हैं फ़ोन के कैमरा सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे हमें सबसे फर्स्ट में नाइट मोड देखने को मिल जाता है। नाइट मोड में अगर आप फोटो वगैरह कैप्चर करते हो तो और क्लियरिटी आपको देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ से आप कर लीजिएगा। इसके अलावा फ़ोटो का जो रेशो है फुल स्क्रीन में आप चाहते हो या फिर 1:1, ये सब अलग अलग रेशो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा नाइट मोड में आपको अलग अलग फ़िल्टर्स देखने को मिल जाते हैं, सो यहाँ पे आप अलग अलग फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे आपको टाइमर देखने को मिलता है 3 और 10 सेकंड्स का, तो वो सब आप यहाँ से लगा सकते हो। नेक्स्ट वीडियो मोड में अगर हम चलें
तो यहाँ पे हमें जो है वीडियो मोड में ब्यूटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से हम स्किन ब्यूटिफाई कर सकते हैं वीडियो मोड में। साथ ही यहाँ पे हमें वीडियो मोड में भी अलग अलग फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं, सो इन्हें आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चलें फ़ोटो मोड में, तो गाइज़ यहाँ पे फ़ोटो मोड में आपको HDR मोड देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ये एक और ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, डेजल कलर ऑफ। सो गाइज़ यहाँ से अगर आप इसे डेजल कलर ऑन कर देते हो तो जो कलर्स वगैरह हैं फ़ोटो में वो और इन्हेंस होके आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे आपको फ़ोटो मोड में भी अलग अलग फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। साथ ही ये ब्यूटी मोड यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ से आप जो ब्यूटी मोड है वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर पाओगे। साथ ही यहाँ पे आपको गूगल लेंस का सपोर्ट मिलता है। गूगल लेंस की हेल्प से आप काफ़ी कुछ कर सकते हो, जैसे कि आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, किसी QR कोड को स्कैन करना है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है, या फिर आपको किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है फ़ोटो से, तो वो सब आप गूगल लेंस की हेल्प से कर सकते हो। नेक्स्ट चलें पोर्ट्रेट मोड में, तो पोर्ट्रेट मोड में हम ब्लर बैकग्राउंड के साथ फ़ोटो शूट कर सकते हैं, और ब्लर जो बैकग्राउंड का ब्लर है वो कितना होना चाहिए वो यहाँ से हम कम ज़्यादा कर पाएंगे। इसके अलावा ब्लर इफ़ेक्ट के साथ यहाँ पे हम अलग अलग फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और टाइमर भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। और अगर हम चलें मोर के ऑप्शन में, तो यहाँ पे हमें टाइम लैप्स देखने को मिल जाता है। इस टाइम लैप्स में होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी वीडियो शूट किया तो उसमें एक तो साउंड नहीं होगा, और दूसरा अगर आपने 5 मिनट का वीडियो शूट किया है तो वो अराउंड 1 मिनट का होगा या फिर 50 सेकंड का। उसमें होने वाला क्या है, जो वीडियो की स्पीड है वो बहुत ही फास्ट होने वाली है, तो आप टाइम लैप्स में कोई बड़े बड़े वीडियोज़ या फिर एक बड़े प्लेस को कवर करना चाहते हो तो टाइम लैप्स में आप उसकी वीडियो बना सकते हो। एक्सपर्ट मोड है गाइस, एक्सपर्ट मोड में आप खुद से कैमरा की बहुत सारी सेटिंग कर सकते हो, ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट जो है कलर्स वगैरह का वो सब कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर आप खुद से कैमरा की सेटिंग्स करके फोटोज़ क्लिक करना चाहो तो एक्सपर्ट मोड का यूज़ कर सकते हो। पैनारोमा मोड, इस पैनारोमा मोड में आप एक बड़े एरिया की फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो। इसके अलावा मैक्रो शॉट यानी कि मैक्रो में तो आप जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी फ़ोटो क्लिक कर पाओगे, साथ ही स्टिकर्स वगैरह भी यहाँ पे दिए गए हैं, फोन में आपको स्लो मोशन वगैरह देखने को नहीं मिलता। इस वही मैं बात करूँ फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा में आपको नाइट मोड का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड आपको फ्रंट कैमरा में मिल जाएगा, और मोर में अगर हम चलें तो सिर्फ आपको टाइम लैप्स और पैनो मोड और स्टिकर मोड ही मिलता है फ्रंट कैमरा में। और अगर हम चलें कैमरा के सेटिंग्स की तरफ, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम बटन का फंक्शन है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे वॉल्यूम बटन से आप जूम करना चाहो, फोटो क्लिक करना चाहो वो सब सेलेक्ट कर सकते हो। फिंगरप्रिंट सेंसर की हेल्प से आप फोटो क्लिक कर सकते हो यहाँ से इनेबल करने के बाद, शटर साउंड जो क्लिक का साउंड है वो इनेबल डिसेबल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम चलें वाटरमार्क में, तो यहाँ पे आप फ़ोन का जो मॉडल है वो आपको फ़ोटो में नीचे छोटा सा लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। इसके अलावा आप कस्टम यहाँ पे जैसे अपना नाम लिखना चाहो या कुछ भी लिखना चाहो जो कि फ़ोटो में नज़र आने वाला है वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। डेट एंड टाइम का भी वाटर मार्क यहाँ पे दिया गया है। और इसके अलावा शूटिंग मेथड्स में जाने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, टैप टू कैप्चर, शो पाम। जैसे ही आप कैमरा ओपन किया हुआ है और कहीं पर भी टैप करोगे तो फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। शो पाम अगर आप हथेली दिखाते हो कैमरा को तो उसमें भी फ़ोटो जो है क्लिक हो जाएगी। और नेक्स्ट अगर हम चले वीडियो रेजोल्यूशन की तरफ, तो आप फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से 30 FPS के साथ 1080p में वीडियो शूट कर सकते हो। तो गाइस अब हम चलते हैं फ़ोन के मेन सेटिंग्स की तरफ। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम शुरू करेंगे सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा से। अभी मैंने फ़ोन में सिम कार्ड नहीं डाले हुए तो ज़्यादा कुछ सेटिंग्स शो नहीं कर रहा है सिम कार्ड से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे नीचे आप तब आओगे तो डाटा यूजेस का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे आप अपने सिम कार्ड का और वाईफाई का डाटा चेकआउट कर सकते हो कितना यूज़ हुआ है। बहुत से लोगों को इशू रहता है कि उनका इंटरनेट जल्द ही ख़त्म हो जाता है, तो वो यहाँ से वो चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन कितना डाटा यूज़ कर रही है, उसके बाद वो अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर नेटवर्क परमिशंस मिलता है, ऐसे ऑप्शन बहुत ही यूज़फुल है। इसमें आप किसी भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन की जो इंटरनेट एक्सेस है वो बंद भी कर सकते हो, चाहे आपके फ़ोन में इंटरनेट चलता रहे। जैसे क्रोम है, क्रोम में अगर मैं डाटा बंद करना चाहूँ तो डिसेबल नेटवर्क कर दूंगा, जिससे जो इंटरनेट है वो क्रोम में बंद हो जाएगा, चाहे फ़ोन में वाईफाई चलता रहे या फिर सिम का इंटरनेट चलता रहे। इसके अलावा मैं यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि क्रोम सिर्फ वाईफाई से ही उसमें इंटरनेट चले या फिर सिर्फ मोबाइल डाटा से ही, तो आप किसी भी एप्लीकेशन में ये सब सिलेक्ट कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे आपको डाटा सेविंग मोड मिल जाता है और ड्यूअल चैनल एक्सेलरेशन। गाइस इसको अगर आप इनेबल करते हो और आपके फ़ोन का वाईफाई और सिम इंटरनेट एक साथ चल रहा है, तो आपको फ़ोन के ब्राउज़र में, क्रोम ब्राउज़र में और फेसबुक में इंटरनेट की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होके मिलने वाली है। साथ ही यहाँ पे आपको और रोमिंग देखने को मिलता है। गाइस अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल करते हो तो यहाँ से आप अलग अलग कंट्रीज़ के जो रोमिंग पैक्स वगैरह हैं डायरेक्टली एक्टिवेट कर सकते हो, उन्हें चेकआउट कर सकते हो। और नेक्स्ट हम चलते हैं, तो यहाँ पे हमें वाईफाई देखने को मिलता है, साथ ही ब्लूटूथ है यहाँ पे, और कनेक्शन एंड शेयरिंग। तो हम चलते हैं कनेक्शन एंड शेयरिंग में।
सबसे फर्स्ट में यहाँ पे हमें पर्सनल हॉटस्पॉट मिल जाता है जिसकी हम सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। जैसे गाइस यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कनेक्शन मैनेजमेंट में जाके कि आपके फ़ोन से एक साथ कितने डिवाइस कनेक्ट रहने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे काउंटिंग है पूरी। डाटा रिस्ट्रिक्शन, एक फ़ोन आपके फ़ोन के हॉटस्पॉट से कितना इंटरनेट एक्सेस कर सकता है वो सब यहाँ पे दिया गया है, और किसी एक पर्टिकुलर फ़ोन को आप अपने हॉटस्पॉट से कनेक्ट होने से भी ब्लॉक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे USB थिएटरिंग और ब्लूटूथ थिएटरिंग मिलता है, यानी कि USB और ब्लूटूथ की हेल्प से हम अपना इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन कास्ट यहाँ पे है, यानी कि हम अपने फ़ोन की जो स्क्रीन है अगर अपने एंड्रॉयड TV पे या फिर जो भी आपके पास डिवाइस है उस पर शेयर करना चाहो तो स्क्रीन कास्ट की हेल्प से कर सकते हो। काफ़ी यूज़फुल है गाइस, जैसे आप मूवीज़ वगैरह देखना चाहते हो तो ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आप प्राइवेट जो VPN है अपने फ़ोन में वो खुद से यहाँ पे मैन्युअली सेट कर पाओगे, और प्राइवेट DNS भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। साथ ही एंड्रॉयड ऑटो यहाँ पे आपको मिल जाता है गाइस। अगर आपकी कार में कंफर्टेबल कार स्टीरियो है तो आप एंड्रॉयड ऑटो की हेल्प से कुछ जो फीचर्स है फ़ोन के वो अपने कार के डिस्प्ले पे यूज़ कर पाओगे। और नेक्स्ट हम चलते हैं पर्सनलाइजेशन में। सो गाइस यहाँ पे फ़ोन की काफ़ी सारी पर्सनलाइजेशन हमें देखने को मिलती है, जैसे यहाँ से हम थीम्स चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर्स चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आइकन स्टाइल यहाँ पे हमें मिलता है जो कि पहले होम स्क्रीन सेटिंग्स में भी आ चुका है, ऐप लेआउट भी पहले आ चुका है, और कलर्स गाइस यहाँ से आप जैसे किसी भी कलर को सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने ग्रीन को किया और इसे अप्लाई कर दोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो कलर थीम है सेटिंग्स की वो चेंज हो चुकी है, और ऊपर जो शॉर्टकट कीज़ हैं उनकी भी कलर थीम चेंज हो चुकी है। तो ऐसे करके आप कलर थीम चेंज कर सकते हो। फ़ोन 10 डिस्प्ले साइज़, जो फ़ोन्स का जो साइज़ है वो यहाँ से आप छोटा बड़ा कर पाओगे यहाँ से, और इसके अलावा नए नए फ़ोन्स मोर के ऑप्शन में जाने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस ये डिस्प्ले साइज़ आप जो देख रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने मैसेजिंग ऐप को ओपन किया हुआ है फ़ोन की, और उसमें जो डिस्प्ले साइज़ है मैसेजिंग का वो कितना होना चाहिए वो यहाँ से आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉर में हम चलें तो नोटिफिकेशन ड्रॉर की जो आइकन है उनका अलग अलग स्टाइल यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, तो जो भी स्टाइल आपको पसंद हो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और गाइस इससे नेक्स्ट अब हम चलते हैं होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, पहले ही हम कवर कर चुके हैं सबसे फर्स्ट में। और नेक्स्ट है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। सो यहाँ पे हमें डार्क मोड, लाइट मोड देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ऑटो ब्राइटनेस है, आई कंफर्ट है जो कि हमें ऊपर शॉर्टकट कीज में भी मिलता है, ऑटो रोटेट भी है, और इसके अलावा ऑटो स्क्रीन ऑफ। गाइस जैसे आपके फ़ोन की स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली कितनी देर बाद बंद होनी चाहिए उसका टाइम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो स्क्रीन का कलर टेम्परेचर है वो भी चेंज कर पाओगे। इसके अलावा फ़ोन 10 डिस्प्ले साइज़ फिर से यहाँ पे आ गया जो कि अभी पहले भी आया था। और अगर हम चलें मोर के ऑप्शन में तो यहाँ पे स्क्रीन डिस्प्ले हमें देखने को मिलता है। गाइस होता क्या है, कुछ एप्लीकेशन जो है ऊपर कैमरा के पास ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाते, तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा डिस्प्ले बाय ऐप्स में जाके हम उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे हमें दिए गए हैं। इसके अलावा फुल स्क्रीन डिस्प्ले बाय ऐप्स, गाइस कुछ एप्लीकेशन जो है फुल स्क्रीन में ठीक से एडजस्ट नहीं होते, तो जो एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल है वो तो यहाँ पे शो नहीं होंगे, लेकिन जो नए एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करोगे वो सब यहाँ पे शो होने वाले हैं, तो उन्हें यहाँ से आके आप एडजस्ट कर पाओगे। और इससे नेक्स्ट हम चलते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन में। सो गाइस यहाँ से जो मीडिया साउंड है, रिंगटोन साउंड है, वो सब आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके अलावा नए नए साउंड जो है सेलेक्ट कर पाओगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, आपके फ़ोन के फाइल मैनेजर से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। और साथ ही यहाँ पे जो वॉल्यूम बटन का फंक्शन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मीडिया का जो साउंड है या फिर रिंगटोन का साउंड है डायरेक्टली वो कंट्रोल होना चाहिए वॉल्यूम बटन से। और इसके अलावा यहाँ पे मोर साउंड एंड हैप्टिक्स में चले तो यहाँ पे आपको जो डायल पैड का टोन है, लॉक स्क्रीन साउंड है, स्क्रीनशॉट साउंड है, वो सब इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन मिलता है। साथ ही वाइब्रेशन ऑन टच, जैसे गाइस आप नेविगेशन कीज़ को टच करते हो, कीबोर्ड पे टाइप करते हो तो आपको हल्का एक वाइब्रेशन महसूस होता है, उसको आप इनेबल डिसेबल करना चाहो तो यहाँ से कर पाओगे। इसके अलावा आपको साउंड से रिलेटेड और भी कुछ सेटिंग्स यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, तो यहाँ से आके आप चेकआउट कर लीजिएगा, वैसे ही ऑटोमेटिकली खुद ही अच्छे ऑप्शंस पे सिलेक्टेड है। गाइस नेक्स्ट हम चले नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में जो डाटा का यूजेज है वो हम नोटिफिकेशन ड्रॉर में चेकआउट कर पाएंगे, यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं ऑप्शन को। और इसके अलावा आप चाहते हो कि जो लॉक स्क्रीन है उस पर आप नोटिफिकेशन बार को एक्सेस कर पाओ तो उसे भी यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं मैनेज नोटिफिकेशन में। तो गाइस यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट में है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, अगर आप लॉक स्क्रीन पे नोटिफिकेशन देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते तो वो सब आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम चले मोर के ऑप्शन में तो यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाती है। गाइस अगर आप इसे इनेबल करते हो और कोई भी नोटिफिकेशन आप क्लियर करोगे तो उसकी हिस्ट्री यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। कई बार हमसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन क्लियर हो जाते हैं जल्दबाजी में, तो वो सब हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें वेक स्क्रीन व्हेन ए नोटिफिकेशन इज रिसीव,
जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो डिस्प्ले लाइट अप हो जाएगी, जो कि काफ़ी कूल फीचर है। इससे बैक अब हम चलते हैं तो गाइज़ यहाँ पे हमें एप्लीकेशंस की जो है एक लिस्ट मिल जाती है, और यहाँ से अगर आप टोटली किसी भी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन बंद करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ से डिसेबल कर देना है और उस एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलने वाला। और गाइज़ अब यहाँ पे बाहर आने पे हमें बैटरी परसेंटेज देखने को मिल जाता है, रियल टाइम नेटवर्क स्पीड यानी कि जो भी इंटरनेट की करंट स्पीड होगी वो ऊपर शो होने वाली है। तो ये सब ऑप्शंस हमें नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में दिए गए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स में। सो गाइज़ यहाँ से आगे हम फिंगरप्रिंट और फेस लॉक लगा सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेसी पासवर्ड में हम चलते हैं, यहाँ पे हमें ऐप लॉक, हाइड ऐप और प्राइवेट सेफ का ऑप्शन मिलता है। गाइज़ यहाँ से हम एप्लीकेशन वगैरह लॉक कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, साथ ही प्राइवेट सेफ में जो भी हमने डॉक्यूमेंट फोटोज़ वगैरह हाइड किए हुए हैं, ऑडियो है, वो सब हमें यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ से हम उन्हें पब्लिक भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। और इससे नेक्स्ट हम चलते हैं प्राइवेसी में। सो इस प्राइवेसी में सबसे फर्स्ट में हमें परमिशन मैनेजर देखने को मिलता है। इस परमिशन मैनेजर में आके हम चेकआउट कर सकते हैं कि किस एप्लीकेशन ने हमारे कैमरा की, कॉन्टैक्ट की, लोकेशन की परमिशन ली हुई है, और हमें लगे किसी ने अननेसेसरी कोई परमिशन ली हुई है तो हम इसे यहाँ से आके डिनाई कर सकते हैं। तो ये हमारी प्राइवेसी के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा ऐप लॉक, हाइड ऐप, प्राइवेट सेफ यहाँ पे भी दिया गया है, और किड स्पेस। गाइज किड स्पेस का यूज़ करके आप अगर मान लीजिए आपके बच्चे फ़ोन को यूज़ करते हैं तो काफ़ी सारी लिमिटेशन लगा सकते हो, जैसे कि अगर एक बार बच्चे फ़ोन को यूज़ कर रहा है तो किड स्पेस मोड में कितनी देर के लिए यूज़ कर सकता है, कौन कौन से ऐप उसे चलाने के लिए अलाउ होना चाहिए, मोबाइल का जो इंटरनेट है वो इनेबल होना चाहिए या डिसेबल होना चाहिए, वो सब आप किड स्पेस में सेट कर सकते हो। और इसी में यहाँ पे आपको शो पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है। गाइज मान लीजिए आपने अगर फिंगरप्रिंट के अलावा टाइपिंग करके पासवर्ड लगाया हुआ है स्क्रीन पे, आप चाहते हो जब भी आप टाइप करो तो वो पासवर्ड शो ना हो, तो यहाँ से आप इसे डिसेबल कर दीजिएगा। और नेक्स्ट अब हम चलते हैं सिक्योरिटी में। सो इस सिक्योरिटी में नीचे आने के बाद आपको एक ऐप पिनिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे स्क्रीन पिनिंग है, तो जैसे ही आप इसको इनेबल करते हो स्क्रीन पिनिंग को, और आप जैसे रिसेंट एप्लीकेशन ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको पिन का ऑप्शन मिल जाता है। और पिन करने के बाद गाइस होता क्या है, जैसे मैंने अभी सेटिंग्स को पिन कर दिया तो अगर मैं यहाँ से बाहर आना चाहूँगा तो मैं बाहर नहीं आ सकता। और गाइस ये जो फंक्शन है उसके इसमें बहुत ही हेल्पफुल है, जब बच्चे फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं या फिर एक आपका फ्रेंड जो कि एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहता है तो आप स्क्रीन पिन करके उसे दे सकते हैं और वो इससे बाहर नहीं आ पाएगा। और अगर आप इससे बाहर आना चाहते हो तो सिंपली जो रिसेंट की और बैक की उसे प्रेस करके रखना है और आप यहाँ पर बाहर आ जाएंगे। और इससे नेक्स्ट हम चलते हैं कन्वीनियंस टूल्स में। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में है नेविगेशन। गाइज जो ये नेविगेशन कीज़ है इनको अगर आप हाइड करके जेस्चर सिस्टम यूज़ करना चाहते हो तो वो सब आप यहाँ से कर सकते हो, और कैसे उनको यूज़ करना है वो ट्यूटोरियल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा कुछ और सेटिंग्स भी यहाँ पे दी गई है तो आप यहाँ से आके चेकआउट कर लीजिएगा। और इसके अलावा नेक्स्ट है जेस्चर्स एंड मोशन। गाइज जब फ़ोन की स्क्रीन बंद रहने वाली है तो उस पर जेस्चर का यूज़ करके आप जैसे ओ ड्रॉ करोगे तो डायरेक्टली कैमरा ओपन होगा, वी ड्रॉ करोगे तो फ्लैश लाइट ओपन होगी, तो ये सब आप कर सकते हो। और ख़ुद से भी आप कोई जेस्चर ऐड करना चाहो तो वो यहाँ पे आके कर पाओगे। और यहाँ से अगर हम बैक चलें तो यहाँ पे गाइज आपको नीचे की तरफ तीनों फिंगर को स्वाइप करना है, जो फ़ोन में स्क्रीनशॉट है वो ले लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप टच एंड होल्ड करके रखते हो तब भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इससे नेक्स्ट स्क्रीनशॉट यहाँ पे है, स्क्रीनशॉट कैसे लेना है वो पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और इसके अलावा स्क्रीनशॉट का साउंड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और जो ऑप्शन है स्क्रीनशॉट के वो राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, वो सब आप यहाँ से आके सिलेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स देखने को मिलती है। गाइस स्क्रीन रिकॉर्ड करते वक्त जो माइक्रोफोन का साउंड है वो रिकॉर्ड होना चाहिए या नहीं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। वीडियो का रेजोल्यूशन हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए, फ्रेम रेट यहाँ पे कितना होना चाहिए आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपने फ्रंट कैमरा को एक्सेस करना चाहते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के वक्त, यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपका फ्रंट कैमरा भी रिकॉर्ड हो, तो वो सब आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। और नेक्स्ट असिस्टिव बॉल पे हम चलते हैं। सो गाइस असिस्टिव बॉल को जैसे ही हम एक्टिव कर देते हैं तो एक बॉल हमारी स्क्रीन पे आ जाती है, और इसके हेल्प से हम काफ़ी कुछ फंक्शन कर सकते हैं। जैसे अभी एज ए टैब मेन्यू मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं इस पर टैप करता हूँ तो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकता हूँ, फ़ोन को लॉक कर सकता हूँ, होम स्क्रीन पे जा सकता हूँ। इसके अलावा जेस्चर ऑपरेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो जैसे मैं सिंगल अगर टैप करूँगा तो मैं एक बार बैक आ जाऊँगा, और डबल टैप करूँगा तो रिसेंट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, तो वो सब हम यहाँ से कर पाएंगे। तो आप इसे यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा, और इसकी जो ओपेसिटी है, विजिबिलिटी है, वो भी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं।
और नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक क्विक रिटर्न बबल देखने को मिलता है गाइस। अगर जैसे आप कोई गेम वगैरह प्ले कर रहे हो और अचानक से आप होम स्क्रीन पे आ जाते हैं तो क्विक रिटर्न बबल जो है क्रिएट हो जाएगा, और जैसे ही आप उस पर टैप करोगे तो डायरेक्टली आप गेम में एंटर कर जाओगे। तो अगर आप ये ऑप्शन चाहते हो या नहीं चाहते तो यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट स्मार्ट साइड बार यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जैसे ही हम इसे इनेबल करते हैं तो एक साइड बार जो है हमारे फ़ोन की स्क्रीन पे आ जाता है। और गाइस इस साइड बार से हम शॉर्टकट जो ऑपरेशन है वो कर सकते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीन रिकॉर्ड करना, और डायरेक्टली हम यहाँ से एप्लीकेशन भी ओपन कर सकते हैं। तो जो एप्लीकेशन आप बार बार यूज़ करते हो तो वो यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा। जैसे ही आप राइट की तरफ स्वाइप करेंगे तो वो लिस्ट आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। तो स्मार्ट स्लाइड बार का आप काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और ऑटो हाइड वगैरह का ऑप्शन आप यहां से सब इनेबल कर लीजिएगा। और नेक्स्ट यहां पे स्प्लिट स्क्रीन हमें देखने को मिल जाता है। स्प्लिट स्क्रीन को कैसे यूज़ करना है पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूं, और सबसे एंड में है वेक गूगल असिस्टेंट पावर बटन। सो जैसे ही इस ऑप्शन को आप इनेबल करते हो और पावर बटन को 5 सेकेंड्स तक प्रेस रखोगे तो जो गूगल असिस्टेंट है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं बैटरी सेक्शन की तरफ। सो यहाँ पे हमें पावर सेविंग मोड और सुपर पावर सेविंग मोड देखने को मिल जाता है। इसके अलावा फ़ोन बैटरी यूजेस गाइस, काफ़ी लोगों को शिकायत रहती है कि उनके फ़ोन की बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है, तो यहाँ से आके वो चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन ज़्यादा बैटरी यूज़ कर रही है और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट मोर बैटरी सेटिंग्स में हम चले तो यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस मोड मिल जाता है। गाइस अगर आप कोई हैवी टास्क कर रहे हो तो हाई परफॉर्मेंस मोड को एक्टिव कर सकते हो, आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, साथ ही बैटरी भी जो है ज़्यादा यूज़ होगी इस मोड में। और इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग मिलती है गाइस। जैसे अगर आप रात को फ़ोन को चार्ज लगा के सो जाते हो पूरी रात तो फ़ोन जो है ऑटोमेटिकली स्मार्ट तरीके से चार्ज होगा। और अगर आप चाहते हो रात के टाइम में आपको काम होता है और फ़ोन एक बार में ही फुल चार्ज हो जाए तो आप ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग को डिसेबल कर दीजिएगा। और नेक्स्ट हम चलते हैं डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल में। सो गाइस डिजिटल वेलबिंग में हमें अपने फ़ोन का काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे किस एप्लीकेशन को कितनी देर के लिए यूज़ किया है, फ़ोन को कितनी बार अनलॉक किया है, नोटिफिकेशंस कितने आए हैं, बेड टाइम मोड यहाँ पे है, डैशबोर्ड यहाँ पे दिया गया है, फोकस मोड यहाँ पे है, और इसके अलावा डू नॉट डिस्टर्ब यहाँ पे दिया गया है। तो काफ़ी कुछ हम यहाँ से जो है डिजिटल वेलबिंग में कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा पेरेंटल कंट्रोल गाइज, जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हो कि आप उनके लिए सिंप्लीफाई कर दो फ़ोन को यूज़ करना, तो पेरेंटल कंट्रोल में आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हो फ़ोन को और अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हो फ़ोन को यूज़ करने में। इसके अलावा अगर हम चले ऐप मैनेजमेंट में तो यहाँ पे गाइस सबसे फर्स्ट में ऐप लिस्ट हमें देखने को मिलती है। गाइस जो भी एप्लीकेशंस हमारे स्मार्टफोन में इंस्टॉल है वो सब यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है, और यहाँ से हम एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन की काफ़ी सारी सेटिंग कर सकते हैं, जैसे उसकी स्टोरेज चेकआउट कर सकते हैं, उसकी डाटा यूजेज चेक कर सकते हैं, उसके नोटिफिकेशन वगैरह इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, परमिशन इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐप्स हमें देखने को मिल जाता है। गाइस काफ़ी बार हमसे होता क्या है, गलती से कोई दूसरी एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट पे सेट हो जाती है, जैसे कोई दूसरा ब्राउज़र हमारे फ़ोन में इंस्टॉल है तो वो डिफ़ॉल्ट पे सेट हो जाता है। सो यहाँ से हम डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन को चेंज कर सकते हैं जो जो हमें यहाँ पे दी गई है। साथ ही परमिशन मैनेजर फिर से यहाँ पे हमें दिया गया है, और एंड में ऐप क्लोनर है यहाँ पे। सो गाइस अभी जैसे फेसबुक की क्लोनिंग मैं यहाँ से कर सकता हूँ, यानी कि एक साथ दो फेसबुक अकाउंट और दो फेसबुक एप्लीकेशन को मैं फ़ोन में यूज़ कर पाऊँगा। ऐसे व्हाट्सएप भी हो गया, टेलीग्राम हो गया, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे इंस्टॉल करने के बाद और आप उनकी क्लोनिंग कर पाओगे। और नेक्स्ट हम चलें स्टोरेज में। सो गाइस स्टोरेज का ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट है, क्योंकि गाइस आप अपने फ़ोन का जो एक स्टोरेज का व्यू है गैलरी से नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पे आके आप चेकआउट कर सकते हो कि फ़ोन में इमेजेस हैं, वीडियो हैं, ऑडियो है, उन सब ने कितना स्पेस लिया हुआ है, और उन्हें आप डायरेक्टली यहाँ से मैनेज कर सकते हो। तो ये स्टोरेज का ऑप्शन बहुत ही सही है स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए। और इसके अलावा अगर हम चले एडिशनल सेटिंग्स में तो यहाँ पे हम चलते हैं एक्सेसिबिलिटी में। और गाइस यहाँ पे आने के बाद आपको प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल, अगर इस ऑप्शन को आप इनेबल करते हो तो पावर बटन की हेल्प से आप कॉल को परमानेंटली कट कर सकते हो जब भी आप चाहो। इसके अलावा यहाँ पे आपको डेट टाइम सेट करने का ऑप्शन मिलता है, लैंग्वेज सेट करने का ऑप्शन मिलता है। कीबोर्ड सेटिंग्स में अगर हम चलें तो कीबोर्ड की बहुत सारी सेटिंग्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। कीबोर्ड की जो लैंग्वेज है वो हम यहाँ से चेंज कर पाएंगे, तो यहाँ से आके आप चेकआउट कर लीजिएगा। कुछ समझना है तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, या फिर इंस्टाग्राम भी ट्विटर पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे OTG का आपको ऑप्शन मिल जाता है। गाइज OTG का सबसे पहले ही मैं आप लोगों को फंक्शन बता चुका हूँ, तो इसे यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। और गाइज एंड में अबाउट फोन में आने के बाद आपको जाना है वर्जन में, और यहाँ पे आपको टैप करना है 4 से 5 बार बिल्ड नंबर पे। और जैसे ही आप टैप करोगे तो आप जो है डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर लोगे अपने स्मार्टफोन का। जैसे ही आप एडिशनल सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा, और डेवलपर ऑप्शन में आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, जैसे
कीप स्क्रीन ऑन वाइल चार्जिंग, जब तक आप फ़ोन को चार्ज में लगा के रखोगे तो डिस्प्ले जो है वो ऑन रहेगी। इसके अलावा कलर मोड वगैरह, साउंड से रिलेटेड सेटिंग, USB डीबगिंग, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। सो अगर आपको नॉलेज हो इन सब के बारे में या फिर जानना हो तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं किसी भी ऑप्शन के बारे में। जैसे यहाँ पे रिफ्रेश रेट जो है स्क्रीन का वो कंटिन्यूसली शो होता रहेगा, तो बहुत सारी सेटिंग्स आपको डेवलपर ऑप्शन में मिल जाती है। लेकिन मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप बेवजह इन्हें चेकआउट कीजिएगा या फिर इन्हें इनेबल कीजिएगा, अगर आपको इन्फॉर्मेशन हो तभी आप इन्हें इनेबल कीजिएगा। ये था आज का हमारा वीडियो ओप्पो A55 के सेटिंग्स और हिडन फीचर्स को लेकर। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ यहाँ से आपको वीडियो में सीखने को मिला हुआ। और गाइज बाकी आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, क्वेरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आप लोगों की रिप्लाई ज़रूर से करूँगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में बहुत सारे मैसेजेस हो जाते हैं तो हर एक का रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।